फिर कैसे मिली? फिर हमारे रिश्तेदार ने फोन किया, जब हमारे रिश्तेदार की एक औरत हमारे साथ की हिरा गई है तो घर में पर फोन किया है, तो नहीं तो हम कानपुर का मुँह नहीं देखा कि कौन सकल का है। 12 बजे रात, 3 बजे रात के आए हमारे कुछ नहीं था, न नंबर न फोन कुछ नहीं, जानते नहीं था। उसी का लड़का कहाँ मिले? कानपुर में। कानपुर बैठे हैं, घूमते रहे इनको। कानपुर में नहीं मिला। जब हमारे लड़के जब वहाँ से आया कि तुम्हारी मम्मी खो गई है, तो हमारे लड़का यहाँ किया फोन रिश्तेदारी में, तब यहाँ से भिलामा हिंदे हमारे यहाँ मौसी के लड़का फिर कानपुर गया। कानपुर गए हैं? हाँ, फिर वहाँ से पकड़ के लाए ढूंढ कर। चलो हम यहाँ 6 महीने से अपने गुहार लगा रहे थे, इधर पे हमारी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई कभी कोई सुनाई की गई। जब हमारी यहाँ से सुनाई कोई नहीं की गई है, तो हम मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे। वहाँ पे हमें कानपुर पे प्रशासन ने छेक लिया, हमें दौड़ा दौड़ा कर पकड़ा। इस दौरान हमारी एक महिला भी खो गई, हमसे बिछड़ गई, दौड़ा दौड़ा कर हमको खड़े थे पकड़ रहे थे। हमने मेहनत लगाकर रात भर ढूंढा, जबकि वो रात के 4 बजे के इधर पे वो मिली हमें मेहनत करके। अब उधर से हमें लाया गया है फिर से हमीरपुर, खड़े दड़ेद कर जैसे लाया गया, झूठा आश्वासन देकर जैसे भी जो है। अब देखते हैं इधर पे क्या होता है, सुनाई होती है क्या होता है। क्या प्रमुख मांग थी आपकी? हमारी मांग है कि हमें आवास मुहैया कराए जाए, और गांव में जो ग्राम विकास में जो कार्य आया है जिसका रुपया जितना गबन हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए। उस जांच के अंतर्गत जो भी उसमें शिकायतें हैं उसके खिलाफ प्रधान की उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और जो मुख्यमंत्री आवास दिए गए हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास, अपात्र लोगों को उनकी रिकवरी होनी चाहिए। क्या नाम आपका? उपासना कल। आप लोग लखनऊ में शिकायत कर रहे हैं? हम यहाँ से निकले हमीरपुर से, वही हमारा पीछा करते। जब हम कानपुर में पहुँचे तो हमका वहाँ से सभा खोज करिए, सभा ढूंढ करके हम वहीं बैठे रहे। जब हमसे इनते कितने बजे गए थे? 8 बजे नहीं, जब हम रात में 8 बजे 8 बजे हम यहाँ से निकले। 8 बजे से ये कौन कौन अधिकारी अधिकारी गए तो हमको घेर लिया है। घेर के अधिकारी का किया कि पकड़ के छेड़खानी, ऐसे पकड़ते थे कि चलो यहाँ इसमें नहीं बैठना है। तो वहाँ से औरतें जितनी महिलाएं थी उतनी महिलाएं चितर बितर सब हो गई हैं, तो हम खो गए अकेले। आप रहे हैं सब ढूंढते रहे कानपुर में, हम ना पढ़े ना लिखे, अनपढ़ में एरिया। आज जब हमारे यहाँ से सभा से फोन गया है तो वहाँ से सब किया है कि अब नहीं रामा देवी में जब नहीं मिले हैं, तो हमारे यहाँ रिश्तेदार मेरापुर भिलामा जब कानपुर में गए तब वो ढूंढ के लाए 3 बजे रात। कल आप यहाँ से लखनऊ की शिकायत के लिए रवाना हुए थे, वापस आ गए, क्या मजा? जी सर, हम यहाँ से पैदल यात्रा किए थे सर, सजेती तक पैदल गए थे सर, और प्रशासन को खबर हुई थी कि पैदल इतने इतने लोग बच्चे लोग निकल चुके हैं, तो सर हमें पीछे से गाड़ी लगा लिया गया थे प्रशासन ने। हमें बहुत ढूंढा, हमने बस में वहाँ से उतरे, तुरंत बस में बैठे जाके कानपुर पहुँचे, वहाँ पर जाके छुप गए, तो प्रशासन हमें रात भर ढूंढा सर, बहुत ढूंढा। तो फिर हम सोचे कि अब चले गए हैं प्रशासन लोग तो जाए लखनऊ, जैसे हम लखनऊ को सोचे बस देखने लगे तो हमें वहीं पे पकड़ लिया गया फोर्स के साथ में। और जब सर पकड़ लिया गया तो हमें रात भर वहाँ समझाया गया, तो चितर बितर हो गए सर, एक दूसरे को पकड़ने लगे, तो वहाँ पे सब खुदा गए। तो एक महिला खो गई जिसका नाम सोहन कली और पत्नी राम सिंह है, वो खो गई। तो उनकी रात भर सर बड़ी दिक्कत आई है, पैदल चल चल के बहुत ढूंढा है, आटा टैटो रिक्शा रुपये हज़ार रुपये में बुक करके उसको बहुत ढूंढा है। प्रशासन ने हमको ढूंढने के लिए गए थे, जो महिला खो गई थी उसके लिए नहीं गए, क्या नाम है कि नहीं ढूंढाए। हमारी जिम्मेदारी नहीं है, महिला हिरा गई है तो आपने लुआ कर लाए, वो आपकी जिम्मेदारी। अब यहाँ गए अब क्या करोगे? अब सर यहाँ लुआ लाया गया है, हमें ला दीजिए सर, आपकी मांगे पूरी होंगी, देखो जे क्या होता है सर। शाम
अरे तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।